रुड़की में पशुओं का चारा सप्लाई करने वाले ने नकली दवा बनाने की कंपनी खोल ली। नकली दवाई से उसे इतना मुनाफा हुआ कि उसने महीने भर में 40 लाख रुपए तक की नकली दवाइयां सप्लाई करने लगा। लेकिन हर बुराई का एक अंत होता है। नकली दवाई बनाकर मरीजों की जान से खेलने वाला ये जालसाज आखिरकार पकड़ा गया। इसकी फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाइयां बरामद की गई। दरअसल एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि टीम को हरिद्वार जिले में नकली दवाइयां बनाने की गोपनीय सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी, जिस पर मंगलवार को टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। टीम ने थाना गंगनहर क्षेत्र के मतलबपुर में एक घर में चल रही फैक्ट्री में छापा मारा। वहां से बड़ी संख्या में नकली दवा बनाने वाली मशीनें, नकली रैपर, कच्चा माल बरामद किया गया। इसके बाद एक आरोपी अमित को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि वे ये दवाइयां कोरियर के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजते थे। फिलहाल अब पुलिस द्वारा आरोपियों के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, जो आरोपी की फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाने में साथ देते थे।